सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकोज एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आज हम ग्राम संगठन की कट ऑफ व रेगुलर मीटिंग के बारे में जानेंगे, जो हमारे लोकोज एप्लीकेशन का दूसरा चरण है। हम पिछली वीडियो में आपको ग्राम संगठन की प्रोफाइल किस प्रकार डिटेल आपने भरनी और किस प्रकार अपलोड करके बीपीएम आईडी में आपको ग्राम संगठन को भेजना है। जब बीपीएम द्वारा हमारे ग्राम संगठन को अप्रूव कर दिया जाएगा, तब हम उनकी कट ऑफ व ट्रांजैक्शन मीटिंग डाल सकते हैं। ग्राम संगठन की ट्रांजैक्शन मीटिंग में जाने के लिए, कट ऑफ मीटिंग में जाने के लिए हमें माई मीटिंग में जाना होगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारे लोकोज एप्लीकेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जो ऊपर वाले दो बॉक्स हैं और जो नीचे वाले जो दो बॉक्स हैं, उनसे ही हमें काम लेना है। हम माई मीटिंग में चलते हैं और यहाँ संगम महिला ग्राम संगठन को आप देख पा रहे होंगे। 12 SHG इस ग्राम संगठन से जुड़े हुए हैं और यहाँ कट ऑफ मीटिंग जनरेट करने के लिए हमें थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा और जनरेट मीटिंग पे हमें जाना होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट। अभी यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते। यहाँ न्यू मीटिंग नंबर 1 है और 6/12/2014 यह है ग्राम संगठन की गठन डेट है। एक पुराना ग्राम संगठन है जिसका डेटा डालना हम सीखेंगे। इस डेट से लेकर 6/12/2014 से लेकर और 2022 तक की समरी हमने डालनी है। जो आज तक का डेटा ग्राम संगठन का है, वो कंप्लीट डेटा हमने डालना है कि किस समूह का कितना क्लोज लोन है, कितनी सेविंग है, कितना कितना हम हिसाब किताब कर चुके हैं, कितना हमने इंटरेस्ट लिया है। ये सभी तरह का डेटा, कंप्लीट डेटा हमें डालना है। सबसे पहले हमें रजिस्टर से देखना है कि ग्राम संगठन की कुल कितनी बैठक हो चुकी है। मैं ये वीडियो मई जून महीने में बना रही हूँ। हम यहाँ मई महीने की लास्ट मीटिंग नंबर देखेंगे। मैंने देखा कि ग्राम संगठन की 168 बैठक हो चुकी है और लास्ट मीटिंग नंबर डेट, लास्ट मीटिंग डेट हम 2022 तक जा रहे हैं, तो 2022 के मई महीने की लास्ट मीटिंग डेट हमने लेनी है। तो मैं मई महीने को सिलेक्ट करती हूँ और 9 तारीख तक हम मीटिंग डाल रहे हैं, क्योंकि इस ग्राम संगठन की बैठक 9 और 24 को ही होती है। तो हमने 9 मई 2022 तक की मीटिंग डेट ली है। हम जनरेट एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू जनरेट ए कट ऑफ मीटिंग? हम एक कट ऑफ मीटिंग ही जनरेट करना चाहते हैं, तो मैंने यस पे क्लिक किया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं कट ऑफ मेन्यू मेरे सामने है, संगम महिला ग्राम संगठन। हम कट ऑफ की डेट जो हमने चयन किया है 9/5/2022 है और 12 SHG हमारी वीओ में है। इस डेट तक की टोटल समरी अब हम डालेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अटेंडेंस पे। हमने देखना है कि जो हमारे 12 समूह है, वो 168 मीटिंग में कितनी कितनी बार आए हैं। ये डाटा हमें हमारे रजिस्टर से मिलेगा और रजिस्टर से डेटा देखते हुए हमने फिल करना है कि ग्रुप कितनी कितनी बार मीटिंग में आए हैं। मैंने आरती महिला पे क्लिक किया और रजिस्टर में देखा कि आरती महिला SHG 160 बार बैठक में आया है, भारती 162 बार। इसी तरह देखते हुए हम डाल सकते हैं। हम 168 से ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि 168 अगर हमारी बैठक हुई है तो इतनी ही बार हम मीटिंग में आ सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं आ सकते। तो हम 168 से आगे नहीं जा सकते। तो यही डेटा डालते हुए सभी का मैंने अटेंडेंस फिल करना है और हम मैंने सबकी हाजिरी भरी और हम इसको सेव कर देंगे। मैंने सेव पे क्लिक किया और सेव हो गया। अब हम बैक स्क्रीन जाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो अटेंडेंस है वो ग्रीन टिक होकर आ गया है। हमने हमारे सभी समूहों की अटेंडेंस भर दी। अब मैं चलती हूँ मेंबर सेविंग पे। अब हमें 2014 से लेकर
9/5/2022 तक सभी समूहों की जो सेविंग हो चुकी है वो हमें डालनी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पुराना ग्राम संगठन है और मैंने रजिस्टर से देखा कि हर समूह 8600 रुपये सेविंग यहाँ पे कर चुका है। हो सकता है किसी एक समूह की कम बचत हो, 100 रुपये उसने पिछले महीने नहीं दिए थे, तो हमने उसी हिसाब से सेविंग को डालना है। और सभी की सेविंग मैं फील कर रही हूँ। मैंने सेविंग डाली, आपको सभी की सेविंग डालते हुए ही इसको सेव करना है। अभी हम टेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लाइव वर्जन पे काम करेंगे, एक एक डेटा हमें रजिस्टर से सही लेना है, सही से कट ऑफ तैयार करनी है और तभी हमने डेटा डालना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल सेविंग अमाउंट हमारे पास आ गया है 1,03,100 रुपये। जितनी जितनी सेविंग सभी समूहों की हुई थी उसका टोटल आ गया है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, यहाँ वॉलंटरी सेविंग का भी ऑप्शन है। हमारे ग्राम संगठन में कोई वॉलंटरी सेविंग नहीं की जाती। अगर आपके ग्राम संगठन यहाँ वॉलंटरी सेविंग करते हैं तो आप यहाँ आसानी से अमाउंट डाल सकते हैं। अब मैं बैक जाऊंगी और आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे जो मेंबर्स की सेविंग है, हमारे मेंबर्स यहाँ SHG हैं, हमारे सभी SHG की सेविंग 1,03,100 रुपये हो चुकी है। अब हम बात करते हैं क्लोज लोन की। क्लोज लोन के लिए हम ऋण लेजर रजिस्टर से देखेंगे कि आरती महिला SHG ने कितनी बार ऋण लिया है। हमें ऋणों की गिनती करनी है और ऋणों का टोटल लोन बनाना है कि 5,000 एक बार लिए, 10 एक बार लिए, 50 एक बार लिए, सारा हम टोटल कर लेंगे और वही अमाउंट हमने डालना है। मैंने रजिस्टर से देखा और पता चला कि आरती महिला SHG 5 बार ऋण ले चुका है और 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए राशि आरती महिला SHG ले चुका है। भारती भी एक बार ऋण ले चुका है, 1 लाख रुपए ऋण ले चुका है। एकता 1 लाख रुपए ले चुका है। गंगा 1 लाख रुपए। जागृति 2 लाख रुपए। ज्योति 5 बार ज्योति ने ऋण लिया है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए ज्योति ले चुका है। कल्याण 4 लाख रुपए कल्याण ले चुका है। नूर, इसी तरह जिन जिनके भी क्लोज लोन है आप डाल सकते हैं, सभी के क्लोज लोन आपको यहाँ पे भरने हैं। हम सबके डाल देते हैं ताकि मैं ऋण संख्या के विषय में आपको बेहतर बता पाऊँ। यहाँ मैंने 12 के 12 समूहों का क्लोज लोन चढ़ा दिया है, मैंने सेव कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे क्लोज लोन की संख्या हमारी 23 है और हमारी राशि है 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए लेकर समूह ऋण पूरा कर चुके हैं। हम यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे और डेटा सेव कर देंगे। हम बैक जाएंगे हम देख पा रहे हैं कि क्लोज लोन VO2 SHG 28 लाख रुपए हमारे पास है। अब हम बात करते हैं एक्टिव लोन की। किन किन समूहों पे एक्टिव लोन हमारे चल रहे हैं? मैंने आरती महिला SHG को सिलेक्ट किया। अभी हम टेस्ट वर्जन पे डेटा डाल रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही आरती महिला SHG, जैसे हमने 23 लोन हम दे चुके थे, लोन नंबर फिल होके आया है 25 और फंड सोर्स हमें CIF चुनना है।
टोटल लोन गिवन अमाउंट कितनी राशि दी गई है, 2 लाख रुपए मान लेते हैं आरती ने ऋण ले रखा है, प्रिंसिपल पेड आरती 20,000 रुपये लोन का मूलधन पे कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग अपने आप आ गया 2 लाख में से, दो 20,000 आ चुके हैं तो 81 हमारा बकाया खड़ा है, और प्रिंसिपल ओवरड्यू, कोई ओवरड्यू मान लेते हैं हमारा नहीं है, सही से रिपेमेंट आरती एसएचजी कर रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ की जा रही है, आपका ग्राम संगठन समूहों को किस रेट पर ब्याज देता है, ब्याज पर ऋण देता है, तो आपको चुनना है, हमारे यहाँ 9% पे दिया जाता है तो मैंने 9 चुना। इंटरेस्ट पेड जो 2 लाख रुपए आरती महिला एसएचजी ने लिए हैं ग्राम संगठन से, उसका अब तक कितना ब्याज पे कर चुके हैं, तो ब्याज की गणना हमने रजिस्टर से करनी है, उसको प्लस कर लेना है, और मान लेते हैं 2500 रुपये ब्याज दे चुके हैं, ओवरड्यू इंटरेस्ट पे मैं अभी 0 डाल देती हूँ क्योंकि सारे किस्तें टाइम से आ रही हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट हम मान लेते हैं कि पिछले 2 महीने पहले ये ऋण लिया गया है और मैंने डेट डाल दी और ओके कर दिया, 9/3/2022 को यह ऋण दिया गया है, कैश मोड में दिया गया है। यहाँ पे हम कट ऑफ समरी डाल रहे हैं, ये लोन ऑनलाइन दिया गया था, एनईएफटी द्वारा दिया गया था या किस तरह दिया गया था, यह यहाँ मायने नहीं रखता है, हमें सिर्फ एक्टिव लोन यहाँ चढ़ाना है कि कितना एक्टिव लोन चल रहे हैं उसकी समरी हमने डालनी है, ये 10 महीने पहले या 4 महीने पहले कैसे गया था, यहाँ कैश ही है, हम कैश ही चुन लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 18 किस्तें इस ऋण की बचती हैं और रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ मंथली चुना और सेव कर दिया। क्या आप किस्तों का विवरण, जो ऋण लेजर में हम किस्तों का विवरण बनाते हैं वो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन द्वारा हमारे सामने ऋण लेजर में जो किस्त विवरण बनता है वो हमारे सामने ऑटो फिल होके आ गया है, जैसे ही हमने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और पीरियड्स चुने वो अपने आप ही फिल हो गया, हम डेटा सेव कर देंगे। अब हम बैक जाके देखते हैं, एक ऋण हमारा आरती महिला एसएचजी पर चल रहा है और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमारा 1,80,000 रुपये है। अब हम भारती महिला एसएचजी का एक्टिव लोन चढ़ा रहे हैं, हमें भारती पे क्लिक किया, हमने एडिट पे हम जाएंगे और लोन नंबर यहाँ 26 है, भारती महिला एसएचजी, फंड सोर्स हमने चुना, हम सीआईएफ चुन लेते हैं, हो सकता है कॉर्पस से ऋण दिया गया हो तो आप कॉर्पस से दें, ये सब रजिस्टर में लिखा होता है कि कहाँ से ऋण दिया गया है वो आप वहां से ऑप्शन चुन सकते हैं। टोटल लोन गिवन कितना दिया गया था, हम मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए दिए गए थे और प्रिंसिपल रिपेड कितना वापस दे चुके हैं, इन्होंने 20,000 रुपये वापस दे दिए हैं और आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,30,000 रुपये हमें दिख रहा है। प्रिंसिपल ओवरड्यू हम मान लेते हैं कि इनकी एक किस्त विलंबित है, 5,000 रुपये मैंने प्रिंसिपल ओवरड्यू में डाले, इंटरेस्ट रेट मैंने 9% चुना, इंटरेस्ट पेड कितना इंटरेस्ट पेड कर चुके हैं मान लेते हैं ये 5,800 रुपये ब्याज दे चुके हैं, इंटरेस्ट ओवरड्यू और 200 रुपये इनका इंटरेस्ट ओवरड्यू है। अब आप देख पा रहे होंगे टोटल आउटस्टैंडिंग इंक्लूड ड्यू इंटरेस्ट, बचे हुए विलंबित इंटरेस्ट के साथ बकाया ऋण 2,30,200 रुपये। लोन डिसबर्समेंट डेट यहाँ हमें रजिस्टर से देखना है कि ये लोन कब दिया गया था, तो मान लेते हैं ये 2021 के दिसंबर महीने में ऋण दिया गया था और 9 दिसंबर को ये ऋण दिया गया था, मैंने ओके पे क्लिक किया और
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने डालनी है कि ये कितने महीनों के लिए दिया गया है, तो मैंने 20 डाला और मंथली रिपेमेंट आएगी। सेव मैंने किया। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल? एप्लीकेशन द्वारा जो ईएमआई शेड्यूल बनाया गया है, क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं? मैंने यस पे क्लिक किया। आप देख पा रहे होंगे मंथली किस्त एप्लीकेशन द्वारा ऑटोफिल होके आई थी 11,250 रुपये, लेकिन यहाँ 16,250 रुपये। वो इसलिए है क्योंकि हमने 5,000 रुपये ओवरड्यू में डाला है, विलंबित राशि में हमने डाला है कि पिछले महीने के बचते हैं 5,000 रुपये, तो यहाँ किस्त में ऐड होके आए हैं कि यहाँ पे 16,250 रुपये की डिमांड की जा रही है। मान लेते हैं उस समूह ने कहा कि अब की बार मैं 13,000 रुपये, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज किया 13,250 रुपये मैंने डाल दिया, और यहाँ भी मैं डाल सकती हूँ इसी हिसाब से कि विलंबित हमारी राशि कितनी है, तो 14,250 रुपये हम दे देंगे यहाँ पे, तो हमारा अमाउंट सेव हो जाएगा। तो मैंने सेव किया। इसी तरह जैसे मैंने ईएमआई को चेंज किया है, हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं बैक बटन पे जाऊंगी और आगे की जानकारी आपको दूंगी। हमने दो एक्टिव ऋण चढ़ा दिए हैं। अब हम इसी तरह जितने भी एक्टिव लोन आपके चल रहे हैं, सभी जैसे सभी एसएचजी के आपके पास लोन है, तो आपको सभी के चढ़ाने होंगे। मैं बैक जाके आपको दिखाना चाहूंगी। हमने 4,10,000 रुपये हमारे सदस्यों से ऋण लेना है। एक्टिव लोन वीओ टू एसएचजी, वीओ के एसएचजी पे लोन चल रहे हैं। एसएचजी शेयर कैपिटल, अगर आपके समूह ग्राम संगठन में किसी तरह का शेयर कैपिटल जमा करते हैं, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। मैं डाल के दिखा देती हूँ आपको। मैंने 100 रुपये यहाँ पे डाला। अगर नहीं करते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हम बैक जाएंगे। हमने बैक जाके देखा कि 200 रुपये शेयर कैपिटल हमारा बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंबरशिप फीस की। सदस्यता शुल्क समूहों से लिया जाता है ग्राम संगठन द्वारा, और हर साल वो लिया जाता है। आपको जोड़ लेना है कि कितने बार आप ले चुके हो, और वही अमाउंट टोटल करके आपने सभी एसएचजी के सामने डालना है। अगर सभी से सदस्यता शुल्क लिया गया है, तो सेव पे आप क्लिक कर दोगे और डेटा सेव हो जाएगा। अब मैं बैक जाके आपको दिखाना चाहूंगी कि जैसे ही मैंने सदस्यता शुल्क को भरा, वहां पे राशि मेरे पास आ गई है। 1,000 रुपये हमने सदस्यता शुल्क लिया है। अब मैं बात करती हूँ वीओ इन्वेस्टमेंट की। हमारे ग्राम संगठन सीएलएफ में सेविंग देते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम सेलेक्ट करेंगे सीएलएफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने चुना कंपलसरी सेविंग हम देते हैं, और अमाउंट मैंने डाला कि हमारा ग्राम संगठन 10,000 रुपये सीएलएफ में सेविंग दे चुका है, और मैंने सेव कर दिया। अभी डेट मांगी जाएगी, हमें डेट देनी है कि कब तक की इन्वेस्टमेंट है ये। हमारी जो मीटिंग, लास्ट मीटिंग, हम नंबर हमने डाल रखा और डेट डाल रखी है, वही डेट तक हम समरी डाल रहे हैं, तो आपको वही डेट चुननी है कि हम 9/5/2022 तक की है डेट दे रहे हैं हम, कि अब तक हम इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। डाटा सेव सक्सेसफुली। हम बैक जाके देखना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं क्लोज लोन वीओ टू सीएलएफ टू वीओ, कि सीएलएफ से ग्राम संगठन कितने ऋण लेकर पूरा कर चुका है। जो भरने के लिए हमें प्लस बटन पे जाना है, मैं प्लस बटन पे क्लिक किया। मैंने सीआईएफ चुना कि सीआईएफ के हमने ऋण लिए थे। हम 4 लोन क्लोज कर चुके हैं, और अमाउंट हमारा है 10,00,000 रुपये हमने लेके क्लोज कर दिए हैं, तो हमने सेव पे क्लिक करना है। जो डेटा सेव हो गया है, उसके बाद मैं चलती हूँ अगले टैब पे। हमारी जो अगली एंट्री है वो है एक्टिव लोन सीएलएफ टू वीओ। हमारे सीएलएफ से वीओ पर कितने लोन चल रहे हैं, मैंने क्लिक किया और प्लस बटन पे मैं गई। पांचवा, जैसे 4 लोन क्लोज हो चुके थे, हमारे पांचवा ऋण हम चढ़ा रहे हैं।
तो पांचवा लोन हमारा चल रहा है, तो लोन नंबर ऑटोफिल होके आ गया है और फंड सोर्सेज पे मैंने क्लिक किया, सीआईएफ चुना और लोन डिसबर्समेंट डेट यहाँ देनी है कि कब लोन दिया गया था। हमने चुना कि ये 2021 के मई महीने में ही दिया गया था, तो यही डेट हमने चुन ली कि 9/5/2021 को यह ऋण दिया गया था। अमाउंट 2 लाख रुपए दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 6% पे सीएलएफ से ऋण मिलता है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें 9% पे मिला है, तो आप यहाँ पे आसानी से एडिट करके अमाउंट डाल सकते हैं। ओरिजिनल लोन पीरियड्स कितने महीनों के लिए यह ऋण मिला था, तो हम मान लेते हैं 20। ओवरड्यू पीरियड्स, हमारे कोई भी ओवरड्यू नहीं है, हम अच्छे से किस्तें हमारे सीएलएफ की देते हैं। रिमेनिंग पीरियड्स कितने महीने बचे हैं, मैंने 10 डाला। प्रिंसिपल रिपेड कितना आप पे कर चुके हो, तो मैंने अमाउंट डाला कि हम 1 लाख रुपए पे कर चुके हैं। प्रिंसिपल ओवरड्यू कुछ नहीं है और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए आ गया है, क्योंकि हमने 2 लाख लिए थे, 1 लाख रिपेमेंट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए सीएलएफ का ऋण बचता है जो हमें देना है। प्रिंसिपल ओवरड्यू हमारा कुछ नहीं है और इंटरेस्ट ओवरड्यू हमारा कुछ नहीं है, तो इसको हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्रिंसिपल 10,000 ऑटोफिल हो गया है, जैसे ही हमने चुना कि 10 किस्तें हमारी बचती हैं। और सेलेक्ट पर्पज ऑफ लोन, मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को चुना और सेव कर दिया। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई, आप किसी तरह ईएमआई के शेड्यूल को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ सीएलएफ की किस्तों का विवरण हमारे सामने है कि किस प्रकार हमें हर महीने 9 तारीख को किस्तें देनी है। हमने सेव कर दिया, डाटा सेव सक्सेसफुली। हम बैक जाके दिखाएंगे आपको कि हमने जो एक्टिव लोन डाला है वो 1 लाख रुपए है जो सीएलएफ का हमें देना है। वीओ फंड रिसीव्ड, वीओ ने क्या क्या फंड रिसीव किए हैं जिसको हमने प्लस बटन पे जाके जोड़ना है। मैंने एसआरएलएम चुना, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से हमें फंड मिला है और स्टार्टअप फंड हमें मिला है जो ऑनलाइन बैंक द्वारा हमें दिया गया था। हमें बैंक का नाम चुनना है, तो मैंने बैंक का खाता नंबर और नेम चुना। ट्रांजैक्शन नंबर हमें डालना है, मैंने ट्रांजैक्शन नंबर डाला और लास्ट में हम अमाउंट डाल देंगे कि कितना स्टार्टर फंड हमें मुझे मिला था। हमें तो हमें 25,000 रुपये स्टार्टर फंड के रूप में प्राप्त हुए थे और मैंने सेव पे क्लिक किया और डाटा सेव सक्सेसफुली। अब हम बैक जाएंगे, अब बात करते हैं वीओ के पास कैश बैलेंस और वीओ में बैंक बैलेंस पे। मैंने कैश बैलेंस पे क्लिक किया और मैंने देखा कि वीओ की नगद जो पेटी है उसमें 2,000 रुपए हैं और मैंने सेव कर दिया। अब फिर से हम बैक जाएंगे, हाँ यहाँ देख पाएंगे कि कैश बैलेंस हमारे पास 2,000 रुपए है। अब हम बैंक बैलेंस पे जाएंगे और जो एडिट आप देख पा रहे हैं कोने में, वहां जाएंगे और बैंक बैलेंस कैसेट बैंक आपने डाल देना है। जो बैंक पासबुक में आपकी बैलेंस दिख रहा है, मैंने देखा कि 40,200 रुपये हमारे बैंक में है और डेट हमें देनी है कि कब तक का बैलेंस आप डाल रहे हो। हम 9 तारीख तक का बैलेंस डाल रहे हैं, 9/5/2022 तक का। जब तक कि हम समरी डाल रहे हैं सभी चीजें हमें तब तक की ही डालनी है, तो बैलेंस भी हम वही डालेंगे। तो मैंने ओके पे क्लिक किया और सेव कर दिया, सेव डाटा सक्सेसफुली। अब मैं बैक जाऊंगी और वीओ बैलेंस शीट आप देख पाएंगे यहाँ पे। आपको अब डेटा वेरीफाई करना है और देखना है कि क्या सारी एंट्रियां हम कर चुके हैं वो सही हैं। मैंने देखा कि मैंने सारी एंट्रियां सही की हैं और क्लोज मीटिंग में कर दूंगी।
यू आर श्योर यू वॉन्ट टू क्लोज द मीटिंग? यस, मैं श्योर हूँ और मैं अपनी मीटिंग को क्लोज कर रही हूँ। अब मैं बैक स्क्रीन जाके आपको दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार आपको मीटिंग को अपलोड करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि दूसरे चरण में हमें इन दो बॉक्स और इन दो बॉक्स से काम लेना है। अब हमें वीओ मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन पे जाना है और यहाँ अपलोड पे जाना है। यहाँ रिकॉर्ड मीटिंग रिकॉर्ड टू बी अपलोडेड वन, यहाँ नेटवर्क का नोटिफिकेशन आया, प्लीज चेक योर इंटरनेट नेटवर्क एंड ट्राई अगेन। मेरा नेट बंद है, मैं एक बार नेट ऑन कर लेती हूँ। मैंने फ्लाइट मोड पे अपने फ़ोन को डाल रखा है तो मैंने ये ऑन किया। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप मीटिंग को अपलोड करेंगे तब आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, तभी आप मीटिंग को अपलोड कर पाएंगे। इसी तरह हम वी और सी एल एफ की प्रोफाइल जैसे भी हमने बनाई है तो भी हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए अपलोड करने के लिए। तो अब मैं मीटिंग अपलोड करने जा रही हूँ। मैंने मीटिंग को अपलोड किया, डेटा अपलोडिंग, योर रिकॉर्ड इज इन क्यू विद प्रोसेसिंग आईडी 447। ओके, मैंने क्लिक किया और हमारे ग्राम संगठन की कट ऑफ मीटिंग हमने तैयार कर ली है। आगे की रेगुलर मीटिंग की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।